छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ वर्तमान में आर्थिक संकट से गुजर रहा है। संघ के यही हालात रहे तो इस साल घरेलू क्रिकेट के आयोजन के साथ साथ छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम का रणजी खेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ को बीसीसीआई से पूर्ण मान्यता तो मिल चुकी है, लेकिन पिछले 4 सालों से बजट नहीं मिल पा रहा है। यदि छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के खर्चों की बात की जाए तो यहाँ पर स्टेडियम के मेंटेनेंस में हर महीने 4 लाख रुपए का खर्च आता है। स्टाफ की सैलरी के लिए हर माह 2 लाख का खर्च होता है। रणजी और घरेलू क्रिकेट के आयोजनों में करोड़ों का खर्चा हो जाता है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ साल 2008 में बीसीसीआई का एसोसिएट सदस्य बना था, जबकि पूर्ण मान्यता साल 2016 में मिली। बीसीसीआई पूर्ण मान्यता प्राप्त संघों को क्रिकेट के आयोजन के लिए हर साल राशि आवंटित करता है, लेकिन बीसीसीआई में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिस वजह से छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के साथ देश भर के अन्य क्रिकेट संघों को राशि नहीं मिल पा रही है। लिहाजा संघ अपने पुराने बजट और आईपीएल से हुई कमाई से स्टेडियम के मेंटेनेंस से लेकर घरेलू क्रिकेट के आयोजन का खर्चा उठा रहा है, जो अब छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के लिए वहन करना मुश्किल हो गया है। तो अभी थोड़ा बीसीसीआई में ये सब सुप्रीम कोर्ट का और अभी कोई मैटर सेटल नहीं है, इसलिए ये बात इतनी आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन हमको आशा है कि ये जल्दी 2-1 महीने में ये सब मामला सेटल हो जाएगा और नई इलेक्शन हो जाएंगे बीसीसीआई में और सारे स्टेट बॉडीज में, तब इस मैटर को थोड़ा और हम परस्यू करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ को पिछले 4 सालों से बजट की राशि नहीं मिली है। इस साल भी बजट की राशि नहीं मिली तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। लिहाजा छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ जो घरेलू मैच कराता है उसके आयोजन कराना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही इस साल रणजी खेलने पर भी संकट के बादल खड़े हो जाएंगे। कैमरामैन रिजवान कुरैसी के साथ स्वप्न गौरखेड़े, INS News, रायपुर।